मंच पर उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे राज्य मंत्री साथी रामदास अठावले जी, डिफेंस सेक्रेटरी हमारे अजय कुमार जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की हमारी सेक्रेटरी अंजलि भावना जी, मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जी, और यहाँ पर हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे विभाग की ज्वाइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती जी, हमारे एनसीसी के सभी युवा कैडेट साथियों, उनके अधिकारीगण बटालियन के, यूट्यूब में जो है ना प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, कहाँ और कोई लाइव है क्या? मैं तो आज एनसीसी कैडेट्स के साथ में आज के इस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिक्की के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही साथ देश भर में जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन के सारे एनसीसी कैडेट्स के साथ में, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, उस श्रृंखला में आज देश भर के एनसीसी कैडेट्स के बीच में शपथ का कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम सबके मार्गदर्शक सदैव हम सभी को प्रेरणा देने वाले हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का, जहां सभी हम सभी को सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। जब इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैंने उससे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा। उनके कार्यक्रम में आने से हमारे इस नशा मुक्त अभियान के गति को और भी ज्यादा प्रबल रूप से इसमें बढ़ावा मिलेगा। जब मैं देख रहा था कि हमारे एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यहां पर आकर जिस तरह से हमारे साथियों ने अपनी बात को यहां पर जो उन्होंने अनुभूति बढ़ाई, जो समाज के बीच में जाकर जिस तरह से वो काम करते हैं, उसके बारे में अपने अनुभवों को यहां पर शेयर किया। मित्रों, मैं सोच रहा था कि हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान का सर्वोत्तम अग्रदूत कौन होना चाहिए। जब इस बारे में मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि एनसीसी के कैडेट से ज्यादा और युवाओं के बीच में दूसरा कोई अग्रदूत हो नहीं सकता है। पूरे देश भर में एनसीसी कैडेट की एक विशाल संख्या है। वास्तव में आप ही हमारे सर्वोत्तम अग्रदूत हैं। मुझे आपका चयन करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। हमारे साथी जब बोल रहे थे कि आप जब आगे जाकर समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपने अपने शैक्षणिक काल में एनसीसी में रहते हुए जो आपने अनुशासन का पाठ, जो देश प्रेम का पाठ, जो सामाजिक समरसता का पाठ, अनुशासन का पाठ जो आपने सीखा है, समाज के प्रति दायित्व बोध का भी भाव आपने सीखा है, उन सारे भावों को लेकर जब आप समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए जाएंगे, तो आपका ये जूनियर डिवीजन हो या सीनियर डिवीजन, जिस डिवीजन में भी आपने एनसीसी में कैडेट्स के रूप में रहकर आपने जो कुछ सीखा है, वो समाज के बीच में जब आप काम करने के लिए जाएंगे, आपकी भूमिका, आपका काम करने का तरीका समाज में आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। मैं समझ में आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित जो विकार है, ये बहुत गंभीर समस्या है। समूचे समाज का ताना माना बिखर रहा है। कई परिवारों में हम देखते हैं कि लोग चाहे किसी तरह का नशा करके आते हैं, चरस का हो, अफीम का हो, स्मैक का हो, हेरोइन का हो, और भी अन्य नशों का पदार्थों का उपयोग करके जब घर में पहुंचते हैं, दिन भर का परिश्रम करके जब लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जब घर जाता है और जो परिश्रम करके पैसा अर्जित किया है, उस पैसे को परिवार के विकास में, बच्चों की शिक्षा में, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में लगाना चाहिए, उसमें लगाने के स्थान पर जब वो इस तरह की नशे की आदत का शिकार हो जाता है, तो उसको उसके बगैर रहा नहीं जाता है, और इसके कारण से तरह तरह की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, हिंसा की गतिविधियां बढ़ती हैं, आत्महत्या की गतिविधियां बढ़ती हैं। मैं परसों ही बांग्लादेश की बॉर्डर पर था, पश्चिम बंगाल में था, और वहां पर बांग्लादेश की बॉर्डर पर था, बांग्लादेश की बॉर्डर पर बिल्कुल जहां पर हमारी फेंसिंग, वहां पर कई गांवों में मैं होकर आया,
वहां पर नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बीएसएफ के जवान उसको रोकने में बड़ी सक्षमता के साथ में, बड़ी चुनौती के साथ में वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, मैं वहां पर एक विद्यालय में भी गया, बच्चों के साथ में भी, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में जाकर उनसे भी बातचीत की, गांव में जाकर लोगों से भी बात की। ये समूचे समाज के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। एक और हमारा देश के जो गृह मंत्रालय है, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नशे के कारोबार में लगे हुए कारोबारियों को उनके विरुद्ध पकड़ने की, नशे की सामग्री जब्त करने की, और उस जब्त सामग्री को रखना नहीं बल्कि उसको भट्टियों के द्वारा नष्ट करने का अभियान गृह मंत्रालय के द्वारा तीव्रता से चलाया जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसके संबंध में, इसके पुनर्वास के लिए, नशे से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए जहां चिकित्सालयों के माध्यम से, वहीं एनजीओ के माध्यम से, देशभर में एनजीओ के माध्यम से भी, और बहुत बड़ी संख्या में नशे से ग्रसित लोगों को उनके उपचार और रोकथाम के लिए और बड़ी मात्रा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय बहुत आवश्यक है समूचे समाज की भागीदारी जोड़ना। और वो समूचे समाज की भागीदारी जोड़ने के लिए ही विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जैसे आपने देखा कि हमारी दो मंत्रालय की दो लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, देश भर में हमने सारे विद्यालयों में, कॉलेजों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के लिए शपथ के कार्यक्रम कराए, और उसमें 1,67,000 से 1,67,00,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, डीजी साहब यहाँ पर बैठे हुए गुरमीत पाल सिंह जी, एक दिन मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि एनसीसी के लगभग 17,00,000 कैडेट्स पूरे देश में हैं। तब हमने उनसे कहा कि हम पूरे कैडेट्स के साथ में इस नशा मुक्त भारत अभियान की श्रृंखला को इसको हम जोड़ना चाहते हैं, और आज बड़े प्रसन्नता की बात है कि पूरे देश भर के एनसीसी कैडेट्स आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स की ये जिम्मेवारी है कि वो समूचे भारत को संवेदनशील बनाने के लिए एक सजग सिपाही की भूमिका में, एक जागरूक नागरिक की भूमिका में, हम सब, हमारा जो एनसीसी का डे होता है कई सप्ताह में, कई सप्ताह में एक बार होता है या दो बार होता है, तो हम अपने उस सप्ताह के दिन के अलावा, हम अपनी पढ़ाई के अलावा, हमारे क्षेत्र में जो स्लिम बस्तियां हैं उन स्लिम बस्तियों में जाकर हम चिन्हित करके कहां पर इस तरह का नशे का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कहां पर ज्यादा है, वहां पर परिवारों के बीच में जाकर एक पारिवारिक आत्मीयता का वातावरण उनके बीच में बनाते हुए कि नशा किस तरह से हमारे परिवार को, समाज को खोखला कर रहा है, और ये पूरे देश को जो है ना, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम सबको मिलकर इस चुनौती के विरुद्ध न केवल जागरूक होना है बल्कि इसके लिए समाज की भागीदारी भी जुड़ना है। और उसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, साइकिल रैलियों के माध्यम से, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से मंत्रालय के द्वारा स्कूली स्तर पर और महाविद्यालयीन स्तर पर, दोनों स्तर पर सारी की सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भी अपने एनसीसी ग्रुप के माध्यम से और इस तरह की गतिविधियों को, हमारे डीजी साहब बैठे हुए हैं, डीजी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश भर में हमारे एनसीसी कैडेट्स के बीच में भी इस तरह की गतिविधियों को आने वाले समय में वो बढ़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। देश भर में लगभग 272 संवेदनशील जिलों को ऐसे चिन्हित किया गया था जहां पर व्यापक मात्रा में नशे का दुरुपयोग होता है। अभी 100 जिलों को और हमने उसमें शामिल किया, इस तरह से 372 जिलों को टारगेट करके हम नशा मुक्त भारत अभियान वहां पर तीव्रता के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए, जो लोग नशे की आदत के शिकार हो गए हैं उनको निकालने के लिए लगातार इस दिशा में मंत्रालय के द्वारा काम किया जा रहा है।